नमस्कार, स्वागत है आपका एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे मित्र मुझसे अक्सर कह रहे हैं अब कि भाई आप कन्नड़ा सिनेमा के बारे में इतनी बातचीत करते हैं लेकिन आपके मुख से अभी तक हमने कुछ कन्नड़ा सुना नहीं। एक गीत गाया था मैंने, दो लाइन, उसके अलावा मैंने कन्नड़ा बोली नहीं है क्योंकि मुझे आती नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ सीखने के लिए एक ऐसी चीज़ देखी जाए जिसमें मुझे कानों में वार्तालाप सुनाई दे, डायलॉग नहीं। तो मैंने खोल दिया बिग बॉस कन्नड़ा 6 का जो है लेटेस्ट एपिसोड। अब पहला एपिसोड जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही जो है कंटेस्टेंट उठे, बड़ा एनर्जेटिक गाना और वो माहौल था, लोग नाच रहे थे, मज़ा कर रहे थे। अचानक बिग बॉस ने जो है कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट की। भाई मुझे तो समझ में आई नहीं अनाउंसमेंट, लेकिन मैं देखता रहा। देखने में पता चला कि कंटेस्टेंट जो है वो ध्यान रख रहे थे बज़र का। जैसे ही बज़र दबा वो लोग दौड़ना स्टार्ट किए कन्फेशन रूम की तरफ। और नियम जैसा भी है कि जो भी कन्फेशन रूम के अंदर जाता है और जो वहाँ जो प्रॉप रखा होता है उसको उठाता है तो उसके बाद जो है उसको घर में कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाते हैं। ये बात तमाम चीज़ें बाद में मैंने पता की, मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मैं सुन रहा था, मुझे सुनना बड़ा आवश्यक था। फिर मैंने सुना कि बज़र दबा, जो एक बंदा दौड़ा वहाँ से और जो प्रॉप उठाया, उस बंदे का नाम मैंने बाद में ढूंढ के निकाला कि उसका नाम राकेश था। लेकिन नवीन जो है वो सबसे पहले जो है पहन लिया उन्होंने, तो नवीन एलिजिबल हो गए इस स्पेशल पावर के लिए। वैसे बाद में जो है बिग बॉस ने कुछ अनाउंसमेंट भी की और अनाउंसमेंट सुनने के बाद जो है मुझे पता चला कि ये स्पेशल पावर जो थे वो उस समय से एक्टिवेट हुए थे शायद। मुझे बहुत समझ में नहीं आया लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक्टिवेट हो गए वो पावर। उसके बाद जो है नवीन के पास ऐसा पावर आ गया कि वो कुछ भी कर सकता है जिस समय तक वो जो है स्पेक्स को पहना हुआ है। लेकिन जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं वो लोग जो है उसका रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। ये एक अजीब तरह की जो है पावर उसके हाथ में दे दी गई। और उसके अलावा जो है उनको नवीन का पूरा प्रेजेंस ही इग्नोर करना था, यानी नवीन वहां पर है इस बात को उन्हें को नोटिस ही नहीं करना था। बड़ा अच्छा है, नवीन को मेरे से ख्याल से एक तरह से इनविजिबिलिटी क्लोक मिल गया था कि वो सारे कंटेस्टेंट से जो है इनविजिबल होकर के दूर हो गए थे। मैं ये भी था कि नवीन जिसको भी जो है स्पेक्स पास कर देते हैं वो गेम को कंटिन्यू कर सकता है उसी तरीके से। जैसा कि हमने उसके बाद देखा कि नवीन ने जो है स्पेशल पावर जो उनको मिल रखी थी उसका भरपूर जो है आनंद उठाया। उन्होंने सबसे पहले काम किया कि एक युवती थी जिनका नाम मुझे बाद में पता चला एक कविता है, उसके ऊपर उन्होंने पहले पानी डाल दिया, फिर निवेदिता को उठा करके चल दिए। वो कंटेस्टेंट वापस में जो है कुछ कर नहीं पा रहे थे। कंटेस्टेंट ने क्या किया कि उनके सारे कपड़े जो थे उसको उठा करके गार्डन के एरिया में रख दिया और एक ऐसा नाटक करने लगे जैसे कि नवीन है ही नहीं, नवीन को कुछ हो गया है। फिर जो है धनराज ने स्पेक जो है पास ओवर किया एंडी को। कंटेस्टेंट जो है एंडी से तो भाग करे भागे बच करके, मैं आपको बताऊं मुझे तो पता नहीं था कि इन अलग अलग कलाकारों का जो है वो क्या है, क्या बोलते हैं, नेचर क्या है या क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं वो। लेकिन एंडी जो है वो तो अनस्टॉपेबल था। उसने हर एक कंटेस्टेंट के ऊपर जो है पानी डाला, कुछ पाउडर जैसा डाला और सबको जो है नमक खिला दिया। उसके अलावा जो है कुछ को तो उसने जो है बाल्टी से सीधे पानी पिलवा दिया। जैसे ही कंटेस्टेंट ने बजर को सुना और एंडी का जो स्पेशल पावर था वो भी जो है ख़त्म हुआ, भाई मैं बताऊं आपको, मैं तो आनंदित हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी क्या चीज़ थी कि लोग जो है जिस भाषा में बात कर रहे थे अगर वो अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे या एक दूसरे के साथ लड़ भी रहे थे तो मुझे तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी देख रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि बड़ा आनंददायक माहौल था। सारे कंटेस्टेंट उसके बाद एंडी के अगेंस्ट हो गए और जो एंडी ने किया था लोगों के साथ वही चीज़ करने के जो है उसके साथ पड़ गए। काफ़ी देर तक ऐसा चलता रहा और मेरे ख्याल से राकेश और रश्मि, यही नाम था उन दोनों कंटेस्टेंट का, उनको भी जो है चश्मा पहनने का मौका मिला। मुझे बड़ा अच्छा लगा यह एपिसोड और मैं तो बता रहा हूँ कि मैं अब बिग बॉस 12 देखूंगा ज़रूर। मैं रोज़ आकर के आपको बोर नहीं करूँगा ये बता बता के कि मैंने क्या देखा, क्योंकि मुझे मालूम है आप भी देख रहे हैं उसको। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा इसको देखना क्योंकि मैं बार बार लगातार जो है मेरे कानों में कन्नड़ा भाषा जा रही थी। एक एक शब्द कभी कभार जो है फिजिकल एक्टिविटी से मैं पिक करने की कोशिश कर रहा था। मुझे आशा है कि यदि मैं महीने दो महीने लगातार जो है इस तरह के कार्यक्रम देखता रहूं, हालांकि ये मेरे ख्याल से तो एंड होने पर है,
लेकिन अगर मैं लगातार इस तरह के प्रोग्राम देखता रहूं महीने दो महीने तक, तो मैं कुछ कुछ भाषा कन्नड़ा की तो पिक कर लूँगा। डायलॉग के साथ पिक करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डायलॉग स्टाइलाइज्ड होता है, आदमी के आम जीवन से थोड़ा दूर होता है, उसको पिक करने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है मुझे। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह की जो भाषा है बातचीत की, उसमें कंटेक्स्ट उठा करके समझना शब्दों को ज़्यादा आसान है मेरे लिए। मैं आशा करता हूँ कुछ दिनों में मैं आपसे आकर के एटलीस्ट टूटी फूटी कन्नड़ा में थोड़ी बहुत बातें तो कर ही पाऊँगा। चाहे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गूगल ट्रांसलेट से कुछ शब्द इस्तेमाल करके आपके सामने बात कर सकूँ, लेकिन देखता हूँ क्या होता है आगे भविष्य में। मेरा कन्नड़ा प्रेम जारी है और उसी तरह से जो है कन्नड़ा सिनेमा का उद्भव भी जारी है, ये कार्यक्रम भी जारी है। सिर्फ छोटा सा ब्रेक है, आप कहीं जाइएगा मत। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस समय तक यूट्यूब पे हमारे चैनल को, तो कृपया इसके हमारे ब्रेक के बीच में आप अपना ऐप उठाएं यूट्यूब का और वहाँ ढूंढ के हमारे TODEZ नाम के चैनल को उसे सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, धन्यवाद।